और चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से। जबलपुर में टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा हुआ, बस में तोड़फोड़ कर दी गई। 20 से 30 युवकों ने तोड़फोड़ की है। टोल कर्मचारियों से इनका विवाद हुआ और विवाद तोड़फोड़ तक पहुंच गया। पैसों के लेन देन को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते तोड़फोड़ तक ये पूरा मामला पहुंच गया। टोल प्लाजा जबलपुर में टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा, बस में तोड़फोड़ की गई। 20 से 30 युवकों ने तोड़फोड़ की है। टोल कर्मचारियों से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, विवाद तोड़फोड़ तक पहुंच गया। टोल प्लाजा पर हंगामा, इसी दौरान ये वीडियो भी सामने आया है। चलती गाड़ी से वीडियो बनाया गया है जो दूसरी लेन से निकल रही थी, इसमें ये युवक तोड़फोड़ करते नजर आते हैं। टोल प्लाजा में हंगामा हुआ। जबलपुर का ये पूरा घटनाक्रम, जहां 20 से 30 युवकों ने जमकर तोड़फोड़ कर दी है, बस में तोड़फोड़ की है, हाथों में डंडे लिए ये नजर भी आ रहे होंगे आपको। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। टोल प्लाजा पर हंगामा, पैसे के लेन देन को लेकर विवाद शुरू हुआ जो इस हद तक पहुंच गया। पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, पूरी जानकारी विस्तार से, विवाद क्यों हुआ, पुलिस ने कोई अपडेट दिया? जी बिल्कुल ललित, ये पूरा मामला जो है टोल नाका शहपुरा से सहजपुर के बीच में है, भेड़ाघाट रोड पर ये पूरा हाईवे पर बना हुआ टोल है, जहां पर कुछ युवकों से विवाद हुआ था टोल कर्मियों का। फास्टैग और जो पैसों का लेन देन होता है टोल नाके पर, जो चार्ज लगता है उसको लेकर के विवाद हुआ था, जिसके बाद युवकों ने जमकर तोड़फोड़ की है, वहां के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। और ये पूरी घटना जो है वहां से गुजर रहे लोगों ने मोबाइल में कैद किया और उसके साथ साथ वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि इसमें कौन कौन लोग थे। दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनकी पहचान हो सकी, और बाकी लोगों की पहचान की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी युवक शहपुरा के ही रहने वाले हैं, जो किसी रैली जुलूस से वापस लौट रहे थे और टोल नाके पर उनका विवाद हो गया। और ये ऐसा लगता है कि पैसे न देने को लेकर ये विवाद जाहिरा तौर पर पहुंच शुरू हुआ होगा जो तोड़फोड़ तक पहुंच गया। कहीं कोई चोटिल या जख्मी, किसी कोई इस तरह की खबर? पवन जी बिल्कुल ललित, इस मामले में बताया जा रहा है कि जो टोल कर्मी हैं उनमें कुछ लोगों को मामूली चोटें हैं, गंभीर चोट तो नहीं बताई गई अभी तक, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि अभी तक प्रत्यक्ष रूप से कोई घायल भी शिकायत करने नहीं पहुंचा है। लेकिन जो टोल प्लाजा के संचालक हैं टोल नाके के, उन्होंने जरूर पुलिस को बुला करके और पूरे घटना की जांच करवाई है, शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पवन विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर के खिलाफ आज से मुहिम शुरू हो गई। ग्वालियर में मुहिम से पहले ही लोगों ने अपने हाथों से लाउडस्पीकर उतारने शुरू कर दिए। गुरुवार को तकरीबन 48 से ज्यादा जगहों पर लोगों ने खुद ही लाउडस्पीकर हटा लिए। सुबह 11 बजे तक ग्वालियर जिले के अलग अलग मस्जिद, गुरुद्वारे, ऐसे तकरीबन 48 जगहों से धर्मगुरुओं ने खुद अपनी मौजूदगी में लाउडस्पीकर हटवाए, वीडियो बनाए और थाने के अधिकारियों को भेजे। ये वास्तव में बड़ी प्रसन्नता की बात है कि लोगों ने इस बात को समझा, महत्व को समझा है ध्वनि प्रदूषण ना हो, और इसलिए ज्यादातर लोगों ने वॉलंटियरली खुद ही हटाए, अपने लाउडस्पीकर की संख्या कम की है और लाउडस्पीकर हटाए, उनका बहुत स्वागत है। आज से ही हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी समझाइश उनके बाद अगर कहीं पर ऐसा पाया जाता है कि वायलेशन है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, तो इसके लिए आज से अभियान ये चालू हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को भी ये जानकारी मिल रही है वो जो नियम है, निर्देश है, उनका पालन करेंगे। रीवा पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए बड़ी संख्या में कफ सिरप, प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप पकड़ी है। गढ़ पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। तकरीबन 1000 शीशी नशीली सिरप दवाई पकड़ी गई है। 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। नशे की खेप यूपी से रीवा लाई जा रही थी। कलवारी मोड़ के पास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उज्जैन के नीलगंगा थाना इलाके में चोरों का आतंक फैला हुआ है। ये चोर गिरोह बनाकर, गुट बनाकर
चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। चोरों की करतूत का एक वीडियो सामने आया है। चोरों ने हाटकेश्वर डिजायर कॉलोनी के एक सूने मकान में सेंध लगाई। 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर इन्होंने हाथ साफ कर दिया। परिवार के लोग काम से बाहर गए हुए थे, उस दौरान चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। खरगोन जिले के शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित होने पर परिवार में खुशी का माहौल है। परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई हैं। 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में ऐश्वर्य को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ऐश्वर्य का लक्ष्य है कि आने वाले ओलंपिक में भारत के लिए वो पदक जीते। ऐश्वर्य ने शूटिंग के जरिए जिला और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश सरकार ऐश्वर्य को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है। साउथ कोरिया में वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर ऐश्वर्य ने इतिहास रचा था। ऐश्वर्य प्रताप सिंह इससे पहले भी वर्ल्ड कप में मेडल गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। देश के सर्वोच्च अर्जुन पुरस्कार से ऐश्वर्य सम्मानित हुए। घर में खुशी का माहौल है, परिजन खुशी मना रहे हैं। हमारे साथ ऐश्वर्य की दादी भी है, पापा भी है, मम्मी भी और चाचा सभी लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम दादी से बात करना चाहेंगे कि ऐश्वर्य को जो अर्जुन पुरस्कार मिलने जा रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है ऐश्वर्य की। अच्छा। बहुत वो नाम कमाया उसने, बहुत अच्छा कमाता रहे वो, लोगों की खुशी मनाता रहे हम। खुशी मनाते रहे, जिस प्रकार से देश का गौरव बढ़ा है ऐश्वर्य को लेके, आप पिताजी हैं, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आज अर्जुन पुरस्कार मिलने जाएगा, अब 9 जनवरी को मिलेगा? बहुत गौरव महसूस हो रहा है पूरे परिवार को, क्योंकि ये मध्य प्रदेश को 23 साल बाद ये पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार इन 3 बच्चों को मिला है, उसमें ऐश्वर्य भी पार्टिसिपेट कर रहा है और बहुत ही खुशी का वातावरण है पूरे परिवार में। क्या है कि भाई परिवार में सभी लोग खुशी मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और सभी को अच्छा लग रहा है। जिले का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, मध्य प्रदेश का खास तौर से, क्योंकि ये 23 साल बाद उसको ये अर्जुन अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। 23 साल बाद अर्जुन अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है, चाचा भी साथ में है, काफ़ी मेहनत रही है ऐश्वर्य को तैयार करने में, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा खुशी का माहौल है और ईश्वर से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि विश्व का सबसे महत्वपूर्ण ओलंपिक भी वो जीत के लाए और अपने देश का नाम गौरवान्वित करे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि परिवार में खुशी का माहौल है, परिजन खुशी भी मना रहे हैं और साथ में ऐश्वर्य के पिता का कहना है कि मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि कि 23 साल बाद अर्जुन पुरस्कार मिला है। परिजन ईश्वर से ऐसी कामना कर रहे हैं कि आने वाले ओलंपिक में ऐश्वर शूटिंग के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करे और स्वर्ण पदक जीते। आशुतोष पुरोहित, News18 खरगोन। और अब रायगढ़ से बड़ी खबर, मजदूरों को सुरक्षा कर्मियों ने पीटा, जमकर लाठियां मारी। जिंदल प्लांट के बाहर ये लगातार हड़ताल कर रहे थे, काम का समय घटाने को लेकर ये हड़ताल चल रही थी। शोषण के आरोप लगाए थे मजदूरों ने और उसके बाद से लगातार रायगढ़ में ये प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा था। अब मजदूरों को सुरक्षा कर्मियों ने पीटा है, लाठी चार्ज उन पर किया गया, लाठियां बरसाई गई। जिंदल प्लांट के बाहर लगातार ये जो मजदूर हैं वो हड़ताल कर रहे थे। आखिरकार पुलिस ने मोर्चा संभाला और फिर इन्हें जमकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें पीटा। इधर बलौदा बाजार में धान बेचने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ी है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से 2100 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से सरकार धान खरीदेगी। किसानों ने सरकार का आभार जताया है। 1 नवंबर से बेचे गए धान की अंतर राशि का भी भुगतान किया जाएगा, पिछली तारीख के हिसाब से ही इसे कैलकुलेट किया जाएगा। जनता पार्टी ने सरकार बनते ही घोषणा पत्र के वादे शुरू करने पूरे कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए एक बहुत बढ़िया योजना लाई है, जिसमें 21 क्विंटल प्रति एकड़ की धान से खरीदी शुरू कर दी है। हम इस समय मंडी में मौजूद हैं, देख सकते हैं किसान काफी उत्साहित है और काफी खुश हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किए थे वो घोषणा पत्र पूरे हो चुके हैं, किसान मौजूद हैं। किस तरह से खुशी आपको महसूस हुई है?
हमें इस बार भाजपा सरकार बनने से बहुत अच्छी खुशी मिली है और जो उन्होंने आज 21 क्विंटल और 3100 रुपए में जो खरीदी कर रहे हैं वो किसान के लिए बहुत ही हितैषी काम कर रहे हैं, क्योंकि इतने पैसे में किसान आज अपना लेवल स्तर बहुत आगे जा रहा है। मैं एक पढ़ा लिखा किसान हूँ, मेरा नाम कमल नारायण देवांगन है, मैं BSc फाइनल ईयर कर लिया हूँ, फिर भी आज एक किसान के रूप में किसानी कर रहा हूं और आज इतने अच्छे दाम लेकर किसानों का मान बढ़ा रहा है। भाजपा सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो देख सकते हैं किसान भी काफी खुश है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है 3100 रुपये उसको भी बढ़ा दी गई है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर में जो धान की खरीदी है उन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 20 क्विंटल प्रति एकड़ किया था और भाजपा सरकार ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया था। योगेश यादव, News18, बलौदाबाजार। तो थोड़ा सुधार भी कर देते हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी होगी और रेट 3100 दिया जाएगा जो घोषणा पत्र में लिखा हुआ था। इधर जांजगीर चांपा में नए रेट पर धान खरीदी का आदेश जारी हुआ है और इसके बाद किसानों के चेहरे पर मुस्कान है। प्रति क्विंटल 3100 रुपए सरकार देगी। 1 नवंबर से ही जिन्होंने अपना धान बेच भी दिया था, 1 नवंबर के बाद से सबको अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा। अब तक प्रति एकड़ 20 क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी हो रही थी। और गरियाबंद में अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर लापरवाही, News18 की पड़ताल में खुलासा हुआ। छत्तीसगढ़ ओडिशा चेक पोस्ट से कर्मचारी ही नदारद है, ड्यूटी पर कोई कर्मचारी नहीं दिखा। अवैध धान परिवहन रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाया गया है। छुरा इलाके के कोठी गांव में यह चेक पोस्ट बनाया गया है जहां से धड़ल्ले से धान की तस्करी हो रही है। मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ राज्य के अंतिम गांव छुरा क्षेत्र के कोठी गांव में मौजूद हूं, जहां अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट है। रात 10 बज रहे हैं और यहां पर एक भी कर्मचारी तैनात नहीं है। एक बड़ा खुलासा हम दिखा रहे हैं और समुचित व्यवस्था की ये पोल खोल तस्वीर आप देखिए। ये इस पार ओडिशा राज्य है और इस पार छत्तीसगढ़। 1 नवम्बर से धान खरीदी की शुरुआत है और जब से शुरुआत हुई है समर्थन मूल्य धान खरीदी की, तब से अवैध तस्कर जो है वो सक्रिय है। अवैध तरीके धान छत्तीसगढ़ में खपाने की पूरी कोशिश करते हैं। देवभोग से लेकर छुरा में भी इसकी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन रात को ये बड़ा खुलासा कि यहां पर एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। इस चेक पोस्ट में जितने भी लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है वो यहां से नदारद है। यहां पे हमारे साथ स्थानीय एक यहां के व्यक्ति हैं जो ज्यादा जानकारी दे। आप आना जाना करते हैं, आप यहां के स्थानीय हैं? हां, मैं इस क्षेत्र के स्थानीय आदमी हूं, यहां आना जाना होते रहता है। यहां पे कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, कभी ड्यूटी में रहते हैं? जी, दिन में तो कुछ लोग यहां बैठे दिखाई देते हैं, दो तीन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।